अरविंद आपका। और बढ़ेंगे आगे, बर्फबारी से गुलजार केदारनाथ धाम नजर आया। निचले इलाकों में झमाझम बारिश और तापमान में गिरावट से ठंड बढ़ गई है। बारिश से किसानों के चेहरे खिले हुए नजर आए हैं। तो देखिए लगातार तस्वीरें सामने आ रही है, बर्फबारी से केदारनाथ धाम भी गुलजार नजर आया। देखिए तस्वीर सामने आई है जहां बर्फबारी से गुलजार केदारनाथ धाम किस तरीके से नजर आ रहा है, खूबसूरत ये नजारा। और निचले इलाकों की बात करें तो वहां पर भी झमाझम बारिश की वजह से मौसम जो है वो बदलाव हुआ नजर आया है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है जिसकी वजह से ठंड में भी इजाफा हुआ है। और वहीं उत्तराखंड में एक बार फिर बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है, जहां ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई। वहीं बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। एक बार फिर पहाड़ में मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच साबित हुई है। दरअसल उत्तराखंड के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। कई दिनों से जारी ठंड के सितम के बीच सुबह से ऊंचाई वाले इलाके में बर्फबारी जारी है। बुधवार सुबह से ही गंगोत्री धाम में बर्फबारी हो रही है। मां गंगा मंदिर प्रांगण बर्फ की सफेद चादर से ढक गया है। वहीं दूसरे इलाकों में भी बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। गंगोत्री धाम में चारों तरफ कई फीट तक बर्फ जम गई है। जिधर देखें उधर केवल बर्फ ही बर्फ है। उधर लंबे इंतजार के बाद पर्यटक स्थल चकराता में बुधवार को सीजन की पहली बर्फबारी हुई। इस बर्फबारी से पर्यटकों के चेहरे खिल उठे। जौनसार, बाबर में देवबंद, मुंडाली, लोखंडी, खबंडा, बुधेर सहित सभी ऊंची चोटियों में बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई नजर आ रही है। चकराता में अभी हल्की बर्फबारी हुई है। उम्मीद जताई जा रही है कि अगले कुछ दिनों में पर्यटकों को अच्छी और भारी बर्फबारी देखने को मिल सकती है। हालांकि इस बार ये बर्फबारी काफी देरी से हुई है। अक्सर इन चोटियों पर नवंबर और दिसंबर में बर्फबारी देखने को मिल जाती है, लेकिन इस बार सीजन की ये बर्फबारी काफी देर से हुई है। खेती और बागवानी करने वाले किसानों और होटल व्यवसायियों को लंबे समय से इस बर्फबारी का इंतजार था, जो आज बर्फबारी के इस मनमोहक नजारे के साथ खत्म हुआ। सीजन की पहली बर्फबारी लोखंडी चकराना में, जो कि बहुत ही समय बाद हुई है। मतलब ऐसा कभी हमने देखा नहीं था कि इतने टाइम बाद बर्फबारी यहाँ पे हो रही है, क्योंकि यहाँ पे दिसंबर में बर्फबारी होती थी और जो कि इस बार जनवरी लास्ट में बर्फबारी 31 जनवरी को हो रही है, जिससे कि स्थानीय लोगों के चेहरे खिले हुए हैं और होटल व्यवसायियों के पूरे चकराता में चेहरे खिले हुए हैं लोखंडी वर्ग में। और टूरिस्ट जो है सबकी यही इच्छा थी कि हम लोग बर्फ में ही लोखंडी आएंगे। अब टूरिस्ट सब खाली था, पूरा चकराता पूरा लोखंडी खाली था, लेकिन अब जो है सब होटल कारोबारियों के चेहरे खिले हुए हैं। फिलहाल मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में भी पहाड़ में बर्फबारी का दौर यूं ही जारी रहेगा। मौसम विभाग की भविष्यवाणी एक बार फिर सही से साबित हुई है, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से कहा गया था कि आने वाले दो दिनों में उत्तराखंड के जो पहाड़ी क्षेत्र में बर्फबारी देखने को मिल सकती है और मैदानी क्षेत्रों में बारिश देखने को मिल सकती है। और आज देखिएगा कि सुबह से ही जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर बर्फबारी जारी है, और वहीं यदि मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो मैदानी क्षेत्रों में सुबह से ही आज बादल छाए हुए हैं। और देखिएगा कि जिस तरीके से मौसम विभाग लगातार बारिश की जो चेतावनी है वो जारी की है और अभी भी आने वाले दो दिनों तक कहीं ना कहीं उत्तराखंड के अंदर जो मौसम है वो बिगड़ता हुआ नजर आया।